बधाई, बधाई बहुत बहुत बधाई। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी घोषित हुई, करोड़ों लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व के अंदर पूरे देश में विकसित हिंदुस्तान का सपना देखा, शिक्षित हिंदुस्तान का सपना देखा, स्वस्थ हिंदुस्तान का सपना देखा। पूरे देश के अंदर आज ईमानदार राजनीति को, काम की राजनीति को सम्मान देके आम आदमी पार्टी की दो राज्यों के अंदर सरकार बनाई, अन्य राज्यों के अंदर विधायक बने और हिंदुस्तान के हर राज्य के हर जिले में हमारा संगठन बना। 2024 के अंदर आम आदमी पार्टी पूरी तैयारी के साथ मैदान के अंदर है। आज करनाल हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ता इस पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने के ऊपर इस समारोह में सम्मिलित होने के लिए आए हैं और इस समारोह के अंदर हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ये विचारधारा साथ लेकर जाने के लिए आए हैं। जब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है तो 75 साल के बाद ये देश विकसित देश हो, ये देश शिक्षित देश हो, ये बेरोजगार देश हो, इस देश के अंदर जाति और धर्म की राजनीति खत्म होके काम की राजनीति शुरू हो, इस देश के अंदर भ्रष्टाचार की राजनीति खत्म करके ईमानदार राजनीति की शुरुआत हो। ये शुरुआत की है अरविंद केजरीवाल ने और आज अरविंद केजरीवाल जी के विचारधारा की नकल मारते हुए पूरे देश के अंदर अन्य राजनीतिक पार्टियां भी राजनीति के केंद्र बिंदु के अंदर स्कूल और हॉस्पिटलों को लाने लगी है। इस देश को एक पढ़ा लिखा शिक्षित प्रधानमंत्री चाहिए। इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर जो नकली डिग्रियों का बोलबाला है, असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की नकली डिग्री निकली, सोना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन की नकली डिग्री निकली और देश के शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी आज डिग्रिया छुपाने की जो परंपरा चल रही है। आज हिंदुस्तान को ऐसा व्यक्तित्व चाहिए जो सीना थाम के कह सके कि हिंदुस्तान को प्रणाली का प्रधानमंत्री मिला है, हिंदुस्तान को शिक्षित करेगा, हिंदुस्तान को विकसित करेगा। आज इस कार्यक्रम के दौरान हमने जो एक महीने तक लगातार सदस्यता अभियान चलाया था उसके अंदर भी 250 के अंदर जो व्यक्तियों ने सबसे ज्यादा सदस्य बनाए हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। मैं अनुराग राणे जी से कहूंगा कि आगे भी भारत माता की जय।